रास्तों से ऊंचे ऊंचे खेतों में दगड़ियों संग दौड़े चले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जाएंगे चक्राता साइड घूमने, तो आज हम उधर जितना कवर हो पाएगा आपको वो दिखाएंगे। हाँ दो, थैंक यू। अभी हम लोग हैं बैराट खाई में। ये नहीं आती है जब बंद होती है, ये तो बज गया। दिवित क्या हुआ, आपको कार चलानी आती है? चला के दिखाओ। मैं इससे कार होता है। हम पहुंच गए हैं ब्रामताल गार्डन। यहाँ पर रिजॉर्ट है, ये पूरा एक प्लेन एरिया है। वहाँ पे सामने एक ताल है, अभी पानी सूख गया है। यहाँ पर ये रामताल गार्डन है और यहाँ पर 3 मई को हमेशा हर वर्ष 3 मई का मेला लगता है, जो कि वीर केसरी चंद के शहीदी दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यहाँ पर बहुत ही रमणीय स्थल है जौनसर बावर, या जौनसर बावर के बाहर जितने भी पर्यटक आते हैं और यहाँ पर जरूर आते हैं। और यहाँ पे वो भी है, वो देखो दिवित अंदर, और ये उनकी दिखा दे, उनकी मूर्ति वीर केसरी चंद की यहाँ पे स्टैचू बनाई है। वह क्रिकेट चल रहा है, ये बड़े बड़े अंकल आ गए हैं, इनको भी मजा आ रहा है खेलने में। वो लोग वहाँ पे अब डांस करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अब हम पहुंच गए हैं चक्राता, खाती हूँ आगे। यही है हमारी सबसे फेवरेट शॉप यहाँ की। यहाँ पे कभी? हाँ, मैंने यहाँ पे मोमो भी खाया थी पहले, बड़े पापा साथ आया था। बड़े पापा के साथ? यहाँ के मोमोज ही तो फेमस है, सबसे फेमस मोमोज। यहाँ का डेकोरेशन इतना प्यारा है, और पीछे सारे फोटोज जो हैं वो बिल्कुल हमारे जौनसर के हैं। मतलब ये एक नानी की फोटो कोई, वो हुक्का पीते हुए, वो घर की और वो बच्चों की। हमारे मोमोज आ गए हैं और ये यहाँ के बहुत ही फेमस मोमोज हैं। जगह का नाम है थाना डांडा और ऊपर ही चिरमिरी टॉप है, लेकिन हम जा ही नहीं पाएंगे। हम पीछे कोहरा देखो, ये देखो इधर पूरा कोहरा ही कोहरा आ रखा है, हमें अपनी कार्स भी नहीं दिख रही थी। तो कार आ रही है हमारे साथ, जो दूसरी कार है, और लाइट्स। हेलो क्या हुआ, नहीं दिख रहा कुछ? राघव कुछ नहीं दिख रहा। दिवित बहुत खुश है, दिवित देख के आगे। राघव भागो, मैं ढूंढूंगी तुम्हें, भागो। ये इतनी विजिबिलिटी कितनी लो। देवेद बस, अरे खो गया यार भाई, मेरा बच्चा खो गया, कहीं मिल नहीं रहा है। देवेद कहाँ है? देवेद, ओ देवेद, ये रहा देवेद, आप तो दिख ही नहीं रहे हो हमें। उसको उसके चश्मे से क्लियर दिखता है, पहनो आप अपना चश्मा, किसी की मत सुनो। वेरी गुड। और देख चश्मा खोल खोल के रहा है और ऐसे पहना इसने चश्मा। एक मिनट में सारा फॉग उड़ गया, चलते बिल्कुल इसके एंड पॉइंट तक आ गए और हमें पता भी नहीं चला, और अब जाके पूरा फॉग हटा है यहाँ से। अभी मैंने दिखाया था कि आसमान क्लियर हुआ था पूरा हमारे पीछे, और अब फिर से फॉग आ गया है मेरे पीछे। अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया, मतलब गाइस फिर से देखो सामने कुछ नहीं दिख रहा है, और अब पीछे भी दोबारा कुछ नहीं दिख रहा है, बस हम जितने चल रहे हैं उतने ही दिख सकते हैं। देखो सब कितना क्लियर हो गया है, बिल्कुल एंड तक दिख रहा है, और इधर भी पूरी धूप आ गई है।
अब हम जा रहे हैं सब चिरमिरी टॉप, ये हम आ गए हैं चिरमिरी टॉप, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है चिरमिरी का मेन पॉइंट जहाँ से सनसेट दिखता है। ये लोग यहाँ भी कसमुई खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कसमुई बहुत बड़ी बड़ी है, बट लेकिन थोड़ी हरी है, थोड़ी पकी हुई है क्योंकि ये ठंडा एरिया है काफ़ी। दिखाओ भाई आपके हाथ में कितनी आई है, देखो कितनी बड़ी कसमुई है। हम लोग जा रहे हैं अपने घर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।